गेट से एंट्री मारने के बाद अंदर आने के बाद एक लेफ्ट टर्न मारा, इसके बाद ये वाला राइट टर्न है। यहाँ पे पार्किंग है गाड़ी के लिए। जो पूरा गांव दिख रहा है वही गांव का नाम चारभुजा है। गाड़ी यहाँ पे उन्होंने पार्किंग में लगा दी है इस तरह। और ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, पहले का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सामने भी। बड़ा एरिया पार्किंग के लिए, पार्किंग का होगा शायद 50 रुपीज़ जितना होगा। इस तरह पार्किंग है जो एंट्री है। यहाँ से आने के बाद आपको ये इधर से छोटा सा गेट दिखा, वहाँ से आना है और मंदिर इस तरफ पीछे की साइड है, तो वहाँ का रास्ता जो इस तरफ है। तो इस तरफ ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसके बाद ये छोटा सा तालाब बना हुआ यहाँ पे। जो तालाब था वो भीमकुंड के नाम से, और ये वाला यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, तो खाने की हर चीज़ मिल जाएगी। ये वाला गेट है चार बड़ा पीछे। सब कहीं चौके उसमें आने के बाद यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ से जो गेट दिख रहा है बड़ा वाला, यहाँ से अंदर इस तरफ जाना है। ये है मेन चारभुजा नाथ मंदिर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एलसी ट्रैवलर्स में। मैं हूँ नोबिता। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री गढ़बोर चारभुजा नाथ मंदिर राजसमंद। गंगरार से लगभग 160 किलोमीटर दूर गढ़बोर चारभुजा एक ऐतिहासिक एवं प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो भारतीय राज्य राजस्थान के राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के गढ़बोर गांव में स्थित है। चित्तौड़गढ़ से लगभग 160, उदयपुर से 112, राजसमंद से 43 और कुंभलगढ़ से 32 किलोमीटर की दूरी पर मेवाड़ का जाना माना तीर्थ स्थल है, जहां चारभुजा जी की बड़ी ही पौराणिक चमत्कारी प्रतिमा है। मेवाड़ के चार प्रमुख स्थल केसरिया जी, कैलाशपुरी जी और नाथद्वारा श्रीनाथ जी के साथ गढ़बोर चारभुजा जी भी हैं। इस मंदिर का निर्माण 1444 ईस्वी में राजा गंग सिंह ने करवाया था। एक मंदिर में मिले शिलालेख के अनुसार यहां इस क्षेत्र का नाम बद्री था, जो कि बद्रीनाथ से मेल खाता है। इसका नामकरण गढ़बोरगढ़ यानी किला एवं इसका निर्माण बोर राजपूतों ने करवाया, अतः गढ़बोर कहलाता है। एवं चारभुजा जी इसे भगवान चारभुजा नाथ मंदिर है, इसलिए ऐसे में यह चारभुजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर की इतिहास जब का है, जब गढ़बोर के तत्कालीन राजा गंगदेव को स्वप्न में दर्शन हुआ कि एक मूर्ति जल में मिलेगी जिसकी स्थापना वह करवा दे। उसने ऐसा ही किया, प्राप्त मूर्ति को गढ़ यानी किले में स्थापित करवा दी। यह कार्य 1444 ईस्वी में संपादित किया गया। पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा हिमालय के प्रस्थान से पूर्व इस चारभुजा जी की मूर्ति के दर्शन किए थे। इस मंदिर एवं मूर्ति की रक्षा हेतु 125 युद्ध हुए एवं अनेक बार मूर्ति की रक्षा के निमित्त श्री विग्रह जी को जल में सुरक्षित रखवाया गया था। वर्तमान में श्री गढ़बोर चारभुजा जी की व इस मंदिर की पूजा गुर्जर पुजारियों द्वारा बड़े उत्तम तरीके से संपादित की जाती है। गर्भगृह के अंदर की और दरवाजों में सोने का एवं बाहर चांदी का कार्य किया हुआ है। श्री विग्रह के सम्मुख ही भगवान के वाहन गरुड़ जी विराजमान हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल एलसी ट्रैवलर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
समोसा और कचौड़ी है, अगर विदाउट कड़ी लोगे 10 रुपये का आएगा और कड़ी के साथ 15 रुपये। ये मंदिर के सामने गया, मेन मंदिर आ गया यहाँ से, और इसके सामने ही वाली दुकान है, और एक बार यहाँ पर ट्राई करेंगे।